लेक्चर में हमने 3.1 3.1 के के को सॉल्व किया था तो ये exercise के का second part है और आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फोर से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास द डायरेक्शन टू लेमडा थ्री एंड म्यून म्यू टू म्यू थ्री प्रूव दैट दिस प्रोडक्ट दो लाइन्सन को साइंस दिए दोनों एक के डायरेक्शन को साइंस है दूसरे के हैं तो डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं डायरेक्शन को साइंस देखें थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर तो ये स्पेस है तो थ्री डायमेंशन में हमारे पास तीन एक्सेस होते हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस देखिए यहां पे हम कोई भी लाइन ले रहे हैं सपोज ये एक मैं एक लाइन ले लेता हूँ ये एक लाइन है सपोज ओ पी वेक्टर है यानी एक लाइन है इसको लाइन सपोज कर लेते हैं कि एक लाइन है अब देखिए ये लाइन जो है वो तीनों एक्सेस के साथ एंगल बनाएगी एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम एल्फा कहते हैं वाई के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बीटा कहते हैं और Z के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम गेमा कहते हैं ठीक है ठीके? और अगर हम इन तीनों एंगल्स के कोसाइंस ले लें कॉस ले लें तो वो इस लाइन OP के क्या कहलाते हैं डायरेक्शन को साइंस तो यहां पे कॉज अल्फा कॉज बीटा और कॉज गेमा जो है ये क्या होंगे डायरेक्शन को साइंस होंगे सो डायरेक्शन को ऑफ ऑफ द लाइन ओ ठीक है इस तरह अगर हमारे पास दो लाइंस हो डिफरेंट लाइंस हो तो याद रखें परपेंडिकुलर लाइंस अगर दी हो उनके जो डायरेक्शन को साइंस है उनके यानी डायरेक्शन को साइंस करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को साइंस के प्रोडक्ट का जो सम है वो हमेशा जीरो होता है ओके सपोज अगर हमारे पास देखें एक लाइन के डायरेक्शन को साइंस है लेमडा वन लेमडा टू लेमडा और दूसरे के हैं म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री तो इन डायरेक्शन को के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो जीरो होगा यानी आप करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को साइंस को मल्टीप्लाई करें और एड करें तो ये जीरो आएगा तो इट मीन यहां पे क्या होगा कि लेमडाइम्स ब्यू वन प्लस टू टाइम्स ब्यू टू प्लस लेमडा थ्री टाइम्स ब्यू थ्री तो ये जीरो होगा यहां पे हमें ये समझिए कि ये कंडीशन गिवन है और हमने इस कंडीशन के ऊपर हमने ये प्रूव करना है कि ये जो प्रोडक्ट है मेट्रेसिस का ये जीरो है

टू तो ब्यू टू प्लस लेमडर थ्री ब्यू थ्री इज इक्वल टू तो ये चीज हमने शो करनी है इस पूरे सॉल्यूशन में ओके तो हम स्टार्ट कर लेते हैं जी प्रोडक्ट को देख लेते हैं ओके तो इस प्रोडक्ट को मैं यहां जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों को तो क्या होगा ये हमारे पास अब देखिए इस फर्स्ट को हम इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास लेमडा वन स्क्वायर इंटू व्यू वन स्क्वेर प्लस लेमडा वन लेमडा टू इंटू व्यू वन ब्यू टू लेमडा वन लेमडा टू इंटू व्यू वन ब्यू टू प्लस लेमडा वन लेमडा थ्री इंटू व्यू वन व्यू थ्री

फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा वन स्क्वायर इंटू म्यू वन म्यू थ्री प्लस लेमडा वन लेमडा टू इंटू म्यू टू म्यू थ्री प्लस लेमडा वन लेमडा थ्री इंटू म्यू थ्री स्क्वायर अब इसी तरह सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो लेमडा वन लेमडा टू इंटू म्यू वन स्क्वायर प्लस लेमडा टू स्क्वायर इंटू म्यू वन म्यू टू प्लस लेमडा टू लेमडा थ्री इंटू म्यू वन म्यू थ्री यहाँ पे अगेन लेमडा वन लेमडा टू इंटू म्यू वन म्यू टू प्लस लेमडा टू स्क्वेयर इंटू म्यू म्यू वन स्क्वेयर म्यू टू स्क्वेयर सॉरी प्लस लेमडा टू लेमडा थ्री इंटू म्यू टू म्यू थ्री एंड देन लेमडा वन लेमडा टू इंटू म्यू वन म्यू थ्री प्लस लेमडा टू स्क्समडा टू लेमडा थ्री इंटू म्यू थ्री स्क्वे इस तरह अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा वन लेमडा थ्री इंटू म्यू वन स्क्वायर प्लस लेमडा टू लेमडा थ्री इंटू म्यू वन म्यू टू प्लस लेमडा थ्री स्क्वायर इंटू म्यू वन म्यू थ्री यहाँ पे अब सेकंड को थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा वन लेमडा थ्री म्यू वन म्यू टू प्लस लेमडा टू लेमडा थ्री म्यू टू स्क्वायर प्लस लेमडा थ्री स्क्वेर इंटू म्यू टू म्यू थ्री वन पर थ्री इंटू म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री प्लस लेमडा थ्री स्क्वायर इंटू म्यू थ्री स्क्वायर तो ये काफी लंबी चौड़ी ये मल्टीफिकेशन आ जाती है अब देखिये यहां से हम कॉमन लेंगे तो यहां से क्या कॉमन निकल सकता है हर टर्म में से कॉमन लेंगे यहां से क्या कॉमन निकल सकता है देखिए यहां पे क्या कॉमन है लेमडा वन म्यू वन कॉमन है लेमडा वन म्यू वन कॉमन है तो लेमडा वन व्यू वन यहां से कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा यहाँ सो लेमडा वन म्यू वन कॉमन ले लें यहां क्या रह जाएगा लेमडा वन ब्यू वन प्लस लेमडा टू ब्यू टू प्लस लेमडा थ्री ब्यू थ्री ये कॉमन निकल जाएगा इस तरह यहां से क्या कॉमन है लेमडा वन म्यू टू कॉमन है से one, mu two, यहां से लेमडा वन म्यू टू कॉमन ले लें यहां पर क्या रह जाएगा लेमडा वन म्यू वन प्लस यहाँ पे लेमडा टू ब्यू टू यहाँ पे लेमडा थ्री ब्यू थ्री इस तरह यहाँ क्या कॉमन लिया जा सकता है जी यहाँ पे कॉमन है लेमडा वन म्यू थ्री तो लेमडा वन म्यू थ्री कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा जी लेमडा वन म्यू वन प्लस लेमडा टू म्यू टू प्लस लेमडा थ्री म्यू थ्री यहां के कॉमन है अब लेमडा टू म्यू वन तो यहां रहिएगा लेमडा वन म्यू वन प्लस लेमडा टू म्यू टू प्लस लेमडा थ्री म्यू थ्री सर यहां पे अब क्या कॉमन लिया जा सकता है लेमडा टू म्यू टू यहां पर लेमडा वन म्यू वन प्लस लेमडा टू म्यू टू प्लसडा थ्री म्यू थ्री यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है लेमडा टू ब्यू थ्री तो यहां पर रहिएगा गेन लेमडा वन व्यू वन लेमडा टू व्यू टू प्लस लेमडा थ्री ब्यू थ्री ओके इसी तरह यहाँ पे क्या कॉमन है जी हमारे पास लेमडा थ्री ब्यू वन तो यहां पर रहिएगा लेमडा वन व्यू वन प्लस लेमडा टू ब्यू टू लेमडा थ्री ब्यू थ्री और यहां पे काम है लेमडा थ्री ब्यू टू तो लेमडा वन व्यू वन प्लस लेमडा टू ब्यू टू प्लस लेमडा थ्री ब्यू थ्री सर यहाँ पे क्या काम है लेमडा थ्री ब्यू थ्री यहाँ पे लेमडा वन व्यू वन प्लस लेमडा टू ब्यू टू प्लस लेमडा थ्री ब्यू थ्री ओके अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है इसमें हर टर्म में लेमडा वन म्यू वन प्लस म्यू म्यू तो प्लस थी, थी, हर टर्म में एज अ फैक्टर आ रहा है तो इसको यहां से हम फैक्टर आउट कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं इसको हम कॉमन ले लें स्केलर स्केल मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं यानी इसको फैक्टर आउट कर लें यहाँ से तो हमारे पास क्या बनेगा ओके अब मैं इस पार्ट को यहां से रेज कर देता हूँ देखिए यहां से मैं कॉमन ले लू हर टर्म में से लेमडा वन ब्यू वन प्लस टू ब्यू टू प्लस थ्री ब्यू थ्री ये हम कॉमन ले लें अंदर मैट्रिक्स में क्या रह जाएगा जी देखिए यहाँ क्या रह जाएगा लेमडा वन ब्यू वन और यहाँ क्या रह जाएगा लेमडा वन ब्यू टू और यहां पे लेमडा वन ब्यू थ्री इस तरह यहां रह जाएगा लेमडा टू म्यू वन लेमडा टू ब्यू टू लेमडा थ्री ब्यू थ्री ओके एंड यहां रह जाएगा जी लेमडा थ्री ब्यू वन लेमडा थ्री ब्यू टू एंड लेमडा थ्री ब्यू थ्री देखिए क्योंकि शुरू में हमारे पास क्या था हमने क्या देखा था कि ये चीज जो है लेमडा वन ब्यू वन प्लस लेमडा टू ब्यू टू प्लस थ्री जीरो है, तो ये चीज़ जीरो टाइम्स तो दिस, जीरो, तो जीरो दिस मैट्रिक्स क्या होगा जीरो टाइम्स दिस मैट्रिक्स क्या होगा जब जीरो इसके हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आता है जी यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स जीरो हो जाएगा जीरो का मतलब है कि ये सारा जीरो आ जाएगा जीरो इस तरह भी लिख सकते हैं या सिंपली जीरो मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं तो ये है हमारा प्रूफ है तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर आपके पास दो लाइंस दी हूं विद डायरेक्शन को साइंस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो यह हमारा क्वेश्चन फाइव है शो दैट इन जनरल फॉर एनी टू मेट्रेसेज ए एंड बी विच आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन

टाइम्स भी ए भी है कि बी टाइम्स ए है तो वो सेम नहीं होंगे उनको हमने उसी तरह लिखने है। तो ए टाइम्स ए इज ए स्क्वायर ए टाइम्स बी इज ए बी प्लस बी टाइम्स ए इज बी ए एंड ए टाइम्स ए इज ए स्क्वायर अच्छा अब देखें यहां पे ए बी और बी ए क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स नहीं है इट मीन्स हम इनको हम ऐड करके 2 ए बी नहीं लिख सकते इट मींस दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू ए स्क्र प्लस टू ए बी प्लस बी उसकी रीजन क्या है बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए भी इक्वल नहीं होगा इसी तरह जो सेकेंड रिजल्ट है कि यहां पे हम इस साइड को ले लेते ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी अब इस प्रोडक्ट को एक्सपेंड करें तो क्या होगा ए टाइम्स ए विच इज ए स्क्वेयर

ओके, okay. सो so, ये दोनों जो है इक्वेलिटीज होल्ड नहीं करती बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इन मेट्रिक्स मल्टीफिकेशन कम्प्यूटेटिव नहीं है इसलिए नहीं होल्ड करती तो अंडर वीज इक्वेलिटीज होल्ड कि तब करेंगी कि जब ए बी और बी ए अगर ये सेम हो तो इस कंडीशन में ये दोनों इक्वलिटीज जो है वो होल्ड करेगी ओके सो ईच इक्वेलिटी Holds if A, B is equal to B. तो अगर मैट्रिक्स मल्टीफिकेशन कम्प्यूटेटिव हो तो फिर ये होल्ड करेंगे लेकिन इन जनरल आपको पता है कि मेट्रिक मल्टीफिकेशन जो कम्प्यूटेटिव नहीं होती सो देट इज वाई दीज इक्वेलिटीज डू नॉट होल्ड फॉर मेट्रसेस तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व किया